We are now coming to stringent factors. स्ट्रिंजेंट फैक्टर्स के बारे में बात करेंगे. ये एक टाइप का रेगुलेशन के अंडर आ रहा है, राइट? एंड इसमें वन ऑफ द सिग्नलिंग कंपाउंड. अभी फॉर एग्जांपल, अगर एक मिनट, फॉर एग्जांपल, इफ अ सेल इज अंडरगोइंग डेफिशिएंसी ऑफ अमाइनो एसिड और कार्बोहाइड्रेट कंटेंट, मतलब जैसे ग्लूकोज नहीं है, तो सेल को कैसे पता चलता है क्या सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है? वो इम्पोर्टेंट है, वो समझना इम्पोर्टेंट है. तो इधर आते हैं, आपका जो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स हैं उनको अलार्मोन्स बोला जाता है. नाम से पता चल रहा है, अलार्मोन मतलब अलार्म कर रहा है, सेल को अलार्म कर रहा है कि आपका कुछ ना कुछ तो कॉन्सेंट्रेशन या जो रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड है फॉर एनर्जी प्रोडक्शन या फॉर अमाइनो एसिड प्रोडक्शन, वो डिक्रीज हो चुका है. एंड सेल हैज़ टू कम, तो अलार्म बजता है. ठीक है, तो बेसिकली एक टाइप का सिग्नलिंग कंपाउंड है, केमिकल कंपाउंड है. ठीक है, जस्ट अ सेकेंड. ओके, सो इसमें क्या कौन सा केमिकल कंपाउंड है? तो एक तो है आपका साइक्लिक एएमपी, विच इज एन अलार्मोन. ठीक है, ये अलार्मोन है. एंड ओके, अलार्मोन है और ये सिग्नल करता है, ये कैटाबोलेट रिप्रेशन को सिग्नल करता है. तो आपको पता है कैटाबोलेट रिप्रेशन में या ग्लूकोज इफेक्ट भी बोला जाता है उसको. ठीक है, तो इसमें क्या हो गया, आपका एक्सेस ग्लूकोज है तो वर्कआउट कर रहा है, बट जब ग्लूकोज का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो जाता है, सो सेल हैज टू सर्च फॉर अनदर सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स. ठीक है, या फॉर एटीपी जनरेशन के लिए कुछ ना कुछ अलग सोर्सेस चाहिए. ठीक है, तो इधर आता है आपका साइक्लिक एएमपी. तो होपफुली आपको साइक्लिक एएमपी के बारे में हम लोग ने काफ़ी बार डिस्कस किया. तो साइक्लिक एएमपी जैसे ग्लूकोज इफेक्ट में अच्छा से दिखता है, तो साइक्लिक एएमपी कैप कॉम्प्लेक्स जनरेट होता है. ओके, एंड इट गोज फॉर कैटाप्लेट एज एन, ये एक टाइप का अलार्म होन है. ठीक है, तो इसकी वजह से क्या हो जाता है, बाकी जो जैसे माल्टोज, अगर माल्टोज रहेगा तो माल्टोज यूटिलाइजेशन ऑपरॉन एक्टिवेट हो जाता है. ठीक है, लैक ऑपरॉन एक्टिवेट हो जाता है, जो भी अवेलेबल है, तो वो सारे सारे ऑपरॉन्स जो भी कार्बोहाइड्रेट यूटिलाइजिंग ऑपरॉन्स रहेंगे वो एक्टिवेट हो जाएंगे. ठीक है, ओके, तो इससे आपका कार्बन सोर्स मेंटेन्ड रहेगा. अगर इफ इनसफिशियंट कार्बन सोर्स है, जैसे एटीपी भी जनरेट हो रहा है, कार्बन सोर्स भी रिक्वायर्ड है, तो इनसफिशियंट कार्बन सोर्स है तो ये साइक्लिक एएमपी एक्टिवेट हो जाएगा, मतलब साइक्लिक एएमपी जनरेट हो जाएगा. एज एन साइक्लिक एएमपी किधर से जनरेट होता है? इट इज जनरेटेड बाय कन्वर्शन ऑफ एटीपी इनटू साइक्लिक एएमपी. ओके ओके, साइक्लिक एएमपी, तो इसमें से दो पीपीआई निकल जाता है. ओके, तो ये साइक्लिक इन नेचर रहता है. ओके, एंड दिस एक्ट एज एन अलार्म. ठीक है, ओके, इधर भी बता देता हूँ. दूसरा अलार्मोन इज नथिंग बट कॉल्ड एस PPGPP. ओके ओके, PPGPP, तो ये है आपका दूसरा अलार्मोन. तो फर्स्ट अलार्मोन हम लोग ने देखा कि साइक्लिक एएमपी इज एन अलार्मोन, एंड ओके, एंड सेकेंड इज PPGPP. ओके, जस्ट अ सेकेंड, मैं एक लेक्चर पोस्ट करना भूल गया, एक मिनट. ओके, सो किधर से हम लोग. ओके, सो PPGPP, सो क्या होता है PPGPP? इट इज नथिंग बट गोनोसिन टेट्राफॉस्फेट. ठीक है, गोनोसिन टेट्राफॉस्फेट. तो गोनोसिन टेट्राफॉस्फेट क्या है ये? इट इज अ
इट इज अ अलार्म मोड, सेकेंड अलार्म मोड. फर्स्ट अलार्म मोड क्या था, साइक्लिक एएमपी इज एन अलार्म मोड, ठीक है. एंड फिर पीपीजी, पीपी इज अनदर काइंड ऑफ अलार्म मोड, ठीक है. इसको बोलते हैं गोनोसेन टेट्राफोस्फेट, क्योंकि टेट्राफोस्फेट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये 1 2 3 4, ठीक है, चार फॉस्फेट ग्रुप है. अब बोलोगे कि चार कैसे ऐड होता है, चार कैसे ऐड होता है, तो ये आपका सेकेंड टाइम ऑफ सेकेंड टाइप ऑफ अलार्म हार्मोन है, जो कि आपका, एक मिनट है, बहुत लोग आ रहे हैं अभी. तो सेकेंड टाइप ऑफ अलार्म हार्मोन है, और ये क्या करता है कि आपका, तो ये बता रहा था कार्बन सोर्स कितना लेवल है, ठीक है, कार्बन सोर्स कितना लेवल है वो बता रहा है, ठीक है. और दूसरा क्या बता रहा है, पीपीजी, पीपी एट एट डिनो एट, ये बताता है कि आपका अमाइनो एसिड का लेवल कितना, ठीक है, अमाइनो एसिड का लेवल कितना, ठीक है, अमाइनो एसिड का लेवल कितना. एक तो साइक्लिक एएमपी कार्बन सोर्स का लेवल बताता है, उससे ऑब्वियसली डायरेक्टली इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटीपी का कॉन्सेंट्रेशन, मतलब अगर कार्बन का अगर कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाता है तो एटीपी का भी कम हो जाएगा, ठीक है. ओके, तो साइक्लिक एएमपी एक्टिवेट हो जाता है. और अगर अमाइनो एसिड, एक भी अमाइनो एसिड कम होता है, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होता है. और अमाइनो एसिड क्या क्या जनरेट करता है, बहुत सारे आपके प्रोटीन्स बनाता है एंड इंजाइम्स बनाता है, ठीक है, ऑल इंजाइम्स आर प्रोटीन्स, ठीक है. बट स्ट्रक्चरल इंजाइम्स अलग होते हैं, नॉर्मल जो फंक्शनल इंजाइम्स अलग होते हैं. ओके, सो ये अमाइनो एसिड वो बनाता है, ठीक है, एंड इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर नॉर्मल मेंटेनेंस ऑफ सेल, ठीक है. ओके, सो इसमें तो ये आता है. अभी जो पीपीजी पीपी ये किधर से बनता है, तो इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं, समझ में आए. ये साइक्लिक एएमपी इज यूज फॉर कार्बन लेवल, सेंसिंग कार्बन लेवल, और पीपीजी पीपी इज यूज फॉर सेंसिंग अमाइनो एसिड लेवल. ये इतना समझ में आया कि नहीं आया, ये पता तो मुझे. ऊपर से जा रहा है कि यह समझ रहा है, बताओ. ठीक है, तो एटीपी साइक्लिक एएमपी इज रिक्वायर्ड फॉर सेंसिंग कार्बन लेवल, और पीपीजी पीपी एगोनोसिन टेट्राफॉस्फेट इट इज यूटिलाइज्ड फॉर इट सेंसेस अमाइनो एसिड लेवल. मतलब जब भी ये मॉलिक्यूल प्रेजेंट रहेगा सेल में, तो समझ जाओ कि अमाइनो एसिड का अमाइन को एक ना एक अमाइनो एसिड इस इन फ्यू कॉन्सेंट्रेशन. ओके, एंड अगर साइक्लिक एएमपी का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होता है, मतलब एटीपी का लेवल डाउन हो चुका है एंड कार्बोहाइड्रेट सोर्स नहीं है फॉर यूटिल फंक्शन, तो ये अलार्म का काम करता है, ठीक है, अलार्म का काम करता है. ओके, नाउ साइक्लिक एएमपी का तो तुमको पता है, एटीपी को साइक्लिक एएमपी में कन्वर्ट हो जाता है एंड एडिनाइलेट साइक्लेज करके एंजाइम रहता है, जिसकी वजह से साइक्लिक एएमपी जनरेट होता है. ओके, इन एब्सेंस ऑफ एटीपी, मतलब एटीपी रहता है ऑब्वियसली, बट क्योंकि एटीपी का कॉन्सेंट्रेशन रिड्यूस होता है, तो जो बच्चा कोचा रहता है वो साइक्लिक एएमपी में कन्वर्ट हो जाता है एंड ये अलार्म कर देता है सेल को एंड सेल स्टार्ट्स फाइंडिंग अनदर कार्बन सोर्स, ठीक है. वैसे ही पीपीजी पीपी, अभी ये कहाँ से आया मॉलिक्यूल, ये हम लोग पहले देख लेते हैं. तो ये आते हैं आपका स्ट्रिंजेंट रिस्पॉन्स के अंदर आ जाते हैं दोनों भी, मतलब अलार्मोन्स ये स्ट्रिंजेंट रिस्पॉन्स में आ जाता है. मतलब क्या होता है, जब भी आपका, जैसे फॉर एग्जांपल आपके घर पे, फॉर एग्जांपल इफ इट देयर इज अ स्ट्रिक्ट लॉकडाउन, ठीक है, एंड आपके पास घर में, फॉर एग्जांपल आप 4 फैमिली मेंबर्स हैं एंड आपको 1 मंथ तक सरवाइव करना है, ठीक है. सो एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एंड यू हैव राशन फॉर 15 डेज, ठीक है, तो क्या करोगे आप 15 डेज को 30 डेज में कैसे, 30 डेज तक कैसे खाओगे, 15 दिन का ही खाना है, राइट, रिजर्व है, और
और 30 डेज तक कैसे खाओगे? ठीक है, यू कैन नॉट गो आउटसाइड, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है? ओके, सो आप क्या करोगे, आपका जो पोर्शन है, खाने का पोर्शन है एवरी डे का, वो 50% से कम कर दो, ठीक है? 50% से रिड्यूस कर दो, जिससे आप 30 डेज तक सर्वाइव कर पाओ। वैसे ही सेल भी क्या करता है, सेम सेम स्ट्रैटेजी यूटिलाइज करता है, जिससे क्या होता है कि आपका जो सेल है वो एकदम जैसे लैविशली, जब क्या बोलते हैं, कार्बन सोर्स है तो वो बहुत सारे प्रोटीन्स बनाता है जो कि उसको शायद रिक्वायर्ड भी नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल राइबोसोम है, एक्सेस राइबोसोम बनाता है जब भी क्या बोलते हैं रिक्वायर्ड, मतलब जब भी एक्सेस ऑफ एनर्जी रहता है तो वो बहुत सारा राइबोसोम बनाता है, तो बहुत सारे प्रोटीन्स जनरेट होते हैं, ठीक है? बट एंड उसे उतना जल्दी सेल डिवाइड होता है। बट क्या होता है, जब भी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आपका एल हार्मोन्स एक्टिवेट हो जाते हैं तो उसमें क्या होता है, ये जो एक्सेस राइबोसोम प्रोडक्शन है उसको भी रोका जाता है। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली राइबोसोम इज ऑल्सो प्रोटीन, राइट? एंड अमाइनो एसिड की कमी है, तो और एक्सेस राइबोसोम बनाने का कोई फायदा नहीं है, जितना राइबोसोम है उससे काम चलाना पड़ेगा, ठीक है? ओके, सो इसमें क्या होता है, और ऑब्वियसली अमाइनो एसिड नहीं रहेगा तो चार्ज टीआरएनए भी आपको ज़्यादा नहीं मिले। सो व्हाट इज चार्ज टीआरएनए, सबको पता है, होपफुली सबको पता है। तो टीआरएनए कैरिंग इट्स अमाइनो एसिड, ठीक है? जैसे फॉर एग्जांपल ये टीआरएनए इज फॉर लाइसिन, ठीक है, लाइसिन को कैरी करने के लिए, ठीक है? तो जब लाइसिन अटैच हो जाएगा तो दिस इज कॉल्ड एज चार्ज टीआरएनए, ठीक है? और चार्ज टीआरएनए किधर जाके बैठता है आपको पता है, राइबोसोम में, है ना? ट्रांसलेशन में आपको पता है पी साइट है, ए साइट में जाके बैठ जाता है, ठीक है? ओके, सो इसको बोलते हैं चार्ज टीआरएनए। तो ऑब्वियसली अगर अमाइनो एसिड की कमी है तो चार्ज टीआरएनए बनेगा क्या? नहीं बनेगा, ठीक है? सो बैक टू द टॉपिक, तो इधर क्या हो जाता है, जो सेल है इट लिमिट्स एक्सेस यूज ऑफ और एक्सेस प्रोडक्शन ऑफ एनी अदर प्रोटीन्स, ठीक है? तो जो बेसिक जो सेल को मेंटेन करने के लिए रहेगा उतना ही वो सेल को जिंदा रखने के लिए उतना ही वो प्रोटीन्स बनाएगा, बाकी सारे एक्सेस प्रोटीन्स जो बना रहा था वो पूरा का पूरा बंद कर देगा, ठीक है? ओवर सिंथेसिस बंद कर देगा, जैसे आरआरएनए का ओवर सिंथेसिस वो पूरा का पूरा बंद कर देगा। ओके, तो इसमें क्या होता है, ऐसे केसेस में क्या होता है, इडलिंग रिएक्शन होता है। इडलिंग रिएक्शन इज नथिंग बट ऐसे जो आपका जो पेंटा फॉस्फेट है, ठीक, गोनोसिन पेंटा फॉस्फेट, वो कन्वर्ट हो जाता है इनटू गोनोसिन टेट्रा फॉस्फेट, ठीक है? तो गोनोसिन टेट्रा फॉस्फेट, अभी इसमें ये भी बोल सकते हैं कि जो गोनोसिन पेंटाफॉस्फेट है, ओके, गोनोसिन पेंटाफॉस्फेट है, वो जब भी एक्सेस फॉस्फेट एटीपी रहेगा तो गोनोसिन पेंटाफॉस्फेट रह सकता है, बट अगर एक्सेस एटीपी जनरेट एटीपी नहीं है, ठीक है, तो फिर वो टेट्राफॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है, ओके, गोनोसिन टेट्राफॉस्फेट। तो इसको मैजिक मॉली मैजिक पहले हमारे उसमें मतलब अप्रोक्सीमेटली 10 ईयर्स बैक, तो इधर क्या बोलते थे, गोनोसिन टेट्राफोसेट एंड पेंटाफोसेट आर ऑल्सो कॉल्ड एस मैजिक मॉलिक्यूल 1 एंड मैजिक मॉलिक्यूल 2, क्योंकि ये जब भी जो सेल है इट इज अंडर सम काइंड ऑफ कंस्ट्रेन, या उसमें न्यूट्रिएंट्स की कमी हो रही है, ठीक है, जैसे अमाइनो एसिड हो गया, तो ये मॉलिक्यूल अपियर हो जाते हैं एंड फिर ये गायब भी हो जाते हैं। तो ये एक टाइप का रिसर्चर्स ने बोला, ये एक टाइप का मैजिक है कि अंडर सम कंडीशंस ये एक्सप्रेस होते हैं, ये दिखाई देते हैं, और बाकी नॉर्मल कंडीशन में दिखाई नहीं देते, ठीक है? ओके, तो ये आता है, दिस आर कलेक्टिवली टर्म्ड एज स्ट्रिंजेंट रिस्पॉन्स, मतलब इसमें जो सेल हो जाता है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जाता है, स्ट्रिंजेंट हो जाता है, और पूरा का पूरा टाइटली कंट्रोल करता है सिचुएशन, ठीक है? अगर टाइटली कंट्रोल नहीं कर पाया ना सिचुएशन को तो सेल विल डाई ऑफ, ठीक है? क्योंकि ऑब्वियसली अगर आपके पास 30 डेज का खाना नहीं है और आपको 30 डेज तक सर्वाइव करना है, तो यू हैव टू कट डाउन योर पोर्शंस, राइट? नाउ सिमिलरली सेल हैज टू कट डाउन जो बेसिक नेसेसिटी है जिंदा रहने के लिए, उतना ही प्रोटीन्स बनाएगा, उससे ज़्यादा प्रोटीन्स नहीं बनाएगा,
एक्सप्लेनेशन इज सिंपल, ठीक है। ऑब्वियसली इधर आपको एक्सपोनेंशियल ग्रोथ सेल का दिखेगा नहीं, यू ऑब्जर्व अप्रोक्सीमेटली लैक ग्रोथ, लैक फेस में रहेगा, मतलब एज एन स्लो ग्रोथ, काफी ज्यादा स्लो हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो इसमें और जो सिंथेसिस ऑफ अमाइनो एसिड, जो भी आपको कोई जितने, जैसे फॉर एग्जांपल इधर क्या बोला कि जो पीपीजी पीपी एज इन गोनेसिन टेट्राफॉस्फेट, जब भी ये जनरेट होता है तो जितने भी अमाइनो एसिड, जितने भी अमाइनो एसिड के जीन्स है वो सारे के सारे एक्सप्रेस करना चालू कर देते हैं। ऑब्वियसली जो भी अमाइनो एसिड की कमी रहेगी तो वो इनिबिट नहीं करेगा, बाकी अगर बाकी जैसे फॉर एग्जाम्पल इधर आ जाते हैं हम लोग, ओके जैसे फॉर एग्जाम्पल इधर लाइसिन की तो सेल चेक करता है, ठीक है, वो क्या करता है सारे के सारे जीन्स एक्सप्रेस करने की कोशिश करेगा, ठीक है। एंड ऑब्वियसली हम लोग को पता है कि दीज आर स्ट्रिक्टली रेगुलेटेड, ठीक है, तो लाइसिन का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, ठीक है, सेल में एग्जाम्पल बता रहा हूँ, ठीक है, बाकी सारे ज़्यादा है, ठीक है। तो अगर मैं बोलूँ कि ट्रिप्टोफैन का कॉन्सेंट्रेशन कम है, तो फिर क्या होगा, ट्रिपोपेरोन एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है, बाकी सारे ऊपर ये बंद ही रहेंगे। खाली एक्टिवेट तो 20 के 20 जीन्स होंगे जो अमाइनो, ये वाले अमाइनो एसिड जनरेट कर रहे हैं, बट क्योंकि इधर सेकेंडरी कंट्रोल है, क्योंकि लाइसिन ज़्यादा है तो ये लाइसिन प्रोडक्शन नहीं होगा, ठीक है, दूसरे अमाइनो एसिड प्रोडक्शन नहीं है। तो जैसे मैंने एग्जांपल दिया, अगर ट्रिप्टोफैन का कॉन्सेंट्रेशन काफ़ी कम है या 0 के बराबर, तो ये इसमें खाली जो है ट्रिप्टोफैन का जीन्स एक्सप्रेस होगा, बाकी सारे जीन्स बंद हो रहेंगे, ठीक है। ओके, जो भी अमाइनो एसिड का कमी है वो जीन्स एक्सप्रेस होगा, बाकी सारे जीन्स बंद रहेंगे, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल ट्रिप्टोफैन का कॉन्सेंट्रेशन कम है तो ट्रिप्टोफैन का जो जीन है वो पूरा का पूरा एक्सप्रेस हो जाएगा एंड ट्रिप्टोफैन प्रोडक्शन करेगा, ठीक है, जितना बचा कुचा एनर्जी से, ठीक है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ओके, तो सेल सर्वाइव कर पाएगा। ओके, तो ये आता है स्ट्रिंजेंट रिस्पॉन्स के अंदर आता है, ठीक है। तो इसमें सिंथेसिस ऑफ अमाइनो एसिड्स, इनिबिशन ऑफ सिंथेसिस ऑफ फॉस्फोलिपिड्स, क्योंकि ये एक्स्ट्रा एक्सेस है, ठीक है, आरआरएनए भी एक्सेस बना के कोई फायदा नहीं, ओवर सिंथेसिस करके कुछ फायदा नहीं, ठीक है। ओके, ठीक है, अगर मैं ये जीन जो से ये स्ट्रिंजेंट जीन है, इसका जीन का नाम है रेल ए, ठीक है, बेसिकली ये एडलिंग रिएक्शन कैरी आउट करता है, ठीक है। अगर मैं ये जीन को म्यूटेट कर देता हूँ तो क्या होगा, आपका ये जो सेल है इट विल ओवर प्रोड्यूस आरआरएनए, इट विल ओवर प्रोड्यूस फॉस्फोलिपिड्स, ठीक है, अमाइनो एसिड सिंथेसिस नहीं होगा एंड ऑब्वियसली सेल विल स्टार्व फॉर अमाइनो एसिड, ठीक है। ओके, तो सेल स्टार्व कर लेगा एंड फिर इवेंचुअली सेल विल डाई ऑफ, ठीक है, सिंपल। ठीक है, तो सेल में सेलुलर टॉक्सिसिटी इंक्रीज हो जाएगी, कि ऑब्वियसली अगर प्रोटीन जनरेट ही नहीं हो रहे, रिक्वायर्ड प्रोटीन, तो कुछ फंक्शंस जो इसेंशियल फंक्शंस हैं वो बंद हो जाएगा। ओके, ठीक है, ऑब्वियसली अगर सेल सर्वाइव भी कर लेता है तो उसका जो स्पीड है ग्रोथ का वो बहुत ज़्यादा स्लो हो जाएगा। ओके, सो इधर हमारा स्ट्रिंजेंट रिस्पॉन्स ख़त्म हो जाता है एंड ठीक है, तो इसमें अलार्मोन्स आ जाते हैं, अलार्मोन्स याद रखना, एग्जाम्पल आते हैं, एग्जाम्पल आ सकता है आपको एग्जाम में पूछने के लिए। ओके, नाउ ये जो प्रोडक्ट ये एलोस्टेरिक प्रोटीन्स के बारे में जो हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है, ठीक है, तो यू कैन रीड फ्रॉम दिस ऑल्सो, ठीक है, एलोस्टेरिक प्रोटीन ये काफ़ी अच्छे से दिया हुआ है इसमें, ये आपका क्या बोलते हैं, कौन सा है, स्टेनियर बुक है, ठीक है, तो इस इधर से आप पढ़ सकते हो। ओके, पेज नंबर 290। ओके, इससे पहले वाला भी पढ़ सकते हो, ठीक है, ये स्ट्रिंजेंट रिस्पॉन्स वाला। ओके, तो इसमें काफ़ी अच्छे से दिया हुआ है कि टू क्लासेस ऑफ एलोस्टेरिक प्रोटीन, एलोस्टेरिक एंजाइम्स होते हैं, रेगुलेटरी एलोस्टेरिक प्रोटीन्स होते हैं। ओके, तो रेगुलेटरी एलोस्टेरिक प्रोटीन्स आपका
इंजाइम का काम नहीं करते, वो खाली रेगुलेशन का काम करते हैं, ठीक है। और एलोस्टेरिक एंजाइम उनका फंक्शनल नेचर रहता है। ओके, सो इसके बारे में पढ़ सकते हो। एंड इसमें एक आता है, होपफुली आप लोग को पहले वाला समझा रहेगा, इधर जो बताया मैंने स्ट्रिंजेंट फैक्टर्स के बारे में, साइक्लिक एएमपी और गोनोसिन, पेंटाफॉस्फेट, टेट्राफॉस्फेट एंड पेंटाफॉस्फेट के बारे में। होपफुली आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। यस, खाली एक ही जन ने बोला यस, बाकी लोग ओके। नाउ तो सबसे ज्यादा जो एलोस्टेरिक प्रोटीन जो क्या बोलते हैं स्टडी किया गया वो है ATCS, एस्पार्टिक एस्पार्टेट ट्रांसकार्बामाइलेज भी बोलते हैं उसको, ठीक है, एस्पार्टिक या एस्पार्टेट, ओके, ATCS, ठीक है। और ये ATCS, ये हम लोगों ने जैसे पहले बात किया था, उसका जो रेगुलेटरी रह जाता है, एक तो कैटालिटिक साइट रहता है और फिर दूसरा रहता है एलोस्टेरिक साइट, राइट, है कि नहीं, ठीक है। तो सिंपल बॉक्स फॉर्मेट में बना देता हूँ, ठीक है। ओके, तो इधर एक एलोस्टेरिक साइट है और एक जगह एक्टिव साइट है, ठीक है। ओके, तो इसमें इन लोगों ने क्या किया रिसर्चर्स ने, कि इनको स्टडी करना था कि एक्टिव साइट, अगर मैं हम लोग डिफरेंशिएट ये उसमें क्या होता है कि आपका अगर CTP का कॉन्सेंट्रेशन रहेगा तो ATCS को बंद कर देता हूँ, ठीक है। एंड ATP का कॉन्सेंट्रेशन अगर ज़्यादा रहेगा तो ATCS को एक्टिवेट कर देगा। बेसिकली क्या बोल रहा है ये, ऐसे ये एक्टिव साइट है इधर, ठीक है, या इसको कैटालिटिक साइट भी बोल सकते हैं, और इधर रेगुलेटरी साइट है, ठीक है। तो CTP क्या कर रहा है, ये नेगेटिव इफेक्टर का काम कर रहा है, ठीक है। CTP क्या कर रहा है, इसको बंद कर रहा है, ठीक है। एंड ATP आपका क्या कर रहा है, ये स्टार्ट कर रहा है। तो ATP इज अ पॉजिटिव इफेक्टर एंड CTP इज नेगेटिव इफेक्टर, ठीक है। ओके, तो इन्होंने क्या किया स्टडी करने के लिए, इधर एक दिया हुआ है, किधर है भाई, स्टडी करने के लिए उन्होंने क्या किया, जो ATCS एंजाइम को उसको उन्होंने ट्रीट किया विद केमिकल कॉल्ड एस पैरा क्लोरो मर्क्यूरी बेंजोइड। ये ध्यान रखो, पैरा क्लोरो मर्क्यूरी बेंजोइड। अब बोलोगे इससे क्या होता, तो इससे इसमें जो सब यूनिट्स थे, ठीक है, इधर जैसे ये सब यूनिट था, ये पैरा क्लोरो मर्क्यूरी बेंजोइड इसको बंद कर, इसको तोड़ देता, ठीक है। तो तोड़ने से क्या मिलेगा आपको, रेगुलेटरी साइट अलग से मिल जाएगा, ठीक है, और कैटालिटिक साइट आपको अलग से मिल जाएगा। एंड बोथ विल बी फंक्शनल, मतलब ऐसा है कुछ नहीं है कि फंक्शन में कोई चेंजेस आ रहा है, फंक्शन में कोई भी चेंजेस नहीं है, ठीक है। बट हुआ क्या है कि दोनों जो सब यूनिट्स हैं, जो ऑब्वियसली एक प्रोटीन के इसमें आता है, तो दोनों सब यूनिट्स को अलग कर दिया यूजिंग केमिकल ट्रीटमेंट, पैरा क्लोरो मर्क्यूरी बेंजोइड, ठीक है। नाम याद रखो, वेरी इंपॉर्टेंट, आपको एग्जाम में आ सकता है, ठीक है, पूछने के लिए, क्योंकि ये काफ़ी बार रिपीट होता है। ओके, तो इधर क्या हुआ कि रेगुलेटरी साइट एंड कैटालिटिक साइट अलग हो गए। तो रेगुलेटरी साइट में आप अगर जितना भी CTP डालोगे, तो क्योंकि ये जो एंजाइम है वो अलग हो चुका है, टूट चुका है, तो कैटालिटिक साइट पे अभी अपना इफेक्ट नहीं डाल सकता, ठीक है। अगर हम लोग कैटालिटिक साइट में हम लोग जो CTP ये सॉरी ATCS के जो भी एंजाइम्स सबस्ट्रेट रहेंगे वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता जाएगा, ठीक है। तो कैटालिटिक साइट विल बी फंक्शनल इवन इफ इन द प्रेजेंस ऑफ CTP, दोनों मॉलिक्यूल को अलग अलग कर दिया फिर, तो रेगुलेटरी साइट में अच्छे से CTP बाइंड होगा, ATP बाइंड होगा, बट उसका इफेक्ट आपको कैटालिटिक साइट में नहीं दिखेगा, ठीक है, इवन इन प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ इनहिबिटर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अगर मैंने अलग किया, बट अगर एक साथ जुड़े हुए, ठीक है, ओरिजिनल एंजाइम है, तो ये इसमें अगर CTP डाला तो ये कैटालिटिक साइट को बंद कर देता है, और अगर ATP डाला तो ये कैटालिटिक साइट को रिस्टार्ट कर देता है। ओके, होपफुली समझ रहे।
यस और नो बता दो। नहीं समझ रहे। ठीक है, सो रेगुलेटरी साइड में आपको फीडबैक मैकेनिज्म दिखेगा, बट आपको कैटेलिटिक साइड में उसका इफेक्ट नहीं दिखेगा इफ बोथ आर सेपरेटेड। ठीक है, सो दिस इज वन ऑफ द गुड बुक फॉर स्टडिंग एलोस्टेरिक एंजाइम्स के बारे में। ठीक है, इधर एलोस्टेरिक प्रोटीन्स के बारे में इधर से पढ़ सकते हो, रिकमेंडेड यही है। ठीक है, एंड एलार्मोन्स के लिए भी इधर से ही पढ़ना है आपको। ठीक है, तो यू कैन रीड दिस, एलार्मोन इधर है। ठीक है, और एक पेज नंबर आपका 289। ठीक है, और दूसरा इधर है। ठीक है, तो ये 1 मार्क्स के लिए आ सकता है, ज़्यादा नहीं। ऑब्वियसली ये आपका एमसीक्यू बेस्ड ही क्वेश्चन पैटर्न। ओके, सो विद दिस वी आर कंप्लीटिंग यूनिट 3। ठीक है, आई थिंक हम लोग का ब्लड क्लॉटिंग का ये बाकी है, वो मैं बाद में कवर कर लूँगा। ठीक है, सो वो क्या, वो 10 मिनट्स में हो जाएगा आपका, बट वी विल बी स्टार्टिंग विद पेपर 4, सॉरी यूनिट 4, सॉरी यूनिट 4। ठीक है, एंड यूनिट 4 में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, रिएक्शन से स्टार्ट कर रहे हैं, एंड इट इज़ वेरी वेरी इजी। ये आप लोगों ने आई थिंक अपने 11th या 12th में पढ़ा रहेगा। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड एज कैल्विन साइकिल। इस कैल्विन साइकिल को एक और नाम दिया गया, कोई बता सकता है? यस, कोई बता सकता है कैल्विन साइकिल को और कौन सा नाम दिया गया? ओके, कैल्विन बेंसन साइकिल, तो ये इसको C3 साइकिल भी बोला जाता है। ठीक है, नाउ इट इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम आपका ग्लाइकोलिसिस और TCA साइकिल। TCA साइकिल और C3 साइकिल में से क्या बोलते हैं आपको, डिफरेंशिएट करूँगा। ठीक है, TCA साइकिल इज डिफरेंट। नाउ हम लोग आते हैं इधर, कैल्विन साइकिल क्या होता है? कैल्विन साइकिल में आपका जो प्लांट्स है, किधर होते हैं? प्लांट्स में होते हैं आपके, जो भी फोटोसिंथेटिक, जिनके जो भी ऑर्गेनिज्म के पास फोटोसिंथेटिक अपैरेटस है, दे कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। ठीक है, उसमें आपका ये C3 साइकिल हो सकता है, या देर में भी C4 साइकिल हो सकता है। तो C4 साइकिल में क्या होता है, कुछ रिएक्शंस एक्स्ट्रा होते हैं, एंड वो C3 साइकिल का ही एक्सटेंशन, एक्सटेंडेड वर्जन। ठीक है, उसमें C3 साइकिल भी चलता है, बट कुछ और साइकिल्स भी चलते हैं जिसमें आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड को अच्छे से वो ट्रैप कर पाता है। ठीक है, ओके, एंड C4 साइकिल में ये है कि जैसे C3 साइकिल में तो वो रात को क्या बोलते हैं, फोटो रेस्पिरेशन कैरी आउट करता है। सो होपफुली यू नो अबाउट रेस्पिरेशन, या सॉरी रेस्पिरेशन, नॉट फोटो रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन। इस पता है? ठीक है, मैं इधर आ जाता हूँ, और वी विल बी लर्निंग समथिंग। सो फोटोसिंथेसिस क्या होता है? फोटो सिंथेसिस क्या हो रहा है? अरे यार, तो फोटोसिंथेसिस में आपको क्या हो रहा है? फोटो मतलब लाइट, लाइट एनर्जी यूटिलाइज करके किसका सिंथेसिस हो रहा है? बेसिकली आपका स्टोरेज कंपाउंड का। ठीक है, NATP का इनडायरेक्टली। ओके, स्टोरेज कंपाउंड, ओके स्टोरेज कंपाउंड का जनरेट हो रहा है। तो इसमें क्या होता है आपका, ऑब्वियसली आप स्टोरेज कंपाउंड बोलोगे तो एनिमल्स में अलग रहता है, ग्लाइकोजन रहता है, बट प्लांट्स में स्टोरेज कंपाउंड क्या रहता है, कोई बता सकता है? यस, कोई बता सकता है प्लांट में स्टोरेज कंपाउंड क्या रहता है? कोई बता सकता है? सो रहे सब लोग?
प्लांट में स्टोरेज कंपाउंड आपका स्टार्च रहता है, ठीक है। ठीक है, स्टार्च इज अ स्टोरेज कंपाउंड। ओके, नाउ देर इज समथिंग कॉल्ड एज रेस्पिरेशन, प्लांट रेस्पायर भी करते हैं, और इसमें ऑब्वियसली बाई प्रोडक्ट इज ऑक्सीजन प्रोडक्शन। ठीक है, ऑक्सीजन प्रोडक्शन होता है, अच्छा से ऑक्सीजन प्रोडक्शन होता है, ठीक है, बाई प्रोडक्ट। ओके, नाउ नेक्स्ट इज रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में क्या होता है, जैसे हम लोग रेस्पायर करते हैं, क्या करते हैं हम लोग, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर ले रहे हैं कि ऑक्सीजन अंदर ले रहे हैं, ऑक्सीजन अंदर ले रहे हैं, राइट। तो ऑक्सीजन अंदर लेके हम लोग क्या कर रहे हैं, वी आर रिलीजिंग कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, सो बेसिकली प्लांट्स एंड एनिमल्स आर, प्लांट्स एंड मतलब जो भी रेस्पायर ऑर्गेनिज्म रेस्पायर कर रहे हैं वो, दे आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर, दे आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, ठीक है, म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप में। एंड इसको मैं बोल सकता हूँ इट इज़ ऑब्लिगेटरी म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप। अगर प्लांट्स नहीं रहेंगे तो ऑब्वियसली ऑक्सीजन विल नॉट बी देयर। ओके, प्लांट्स एंड एल्गी बेसिकली। ओके, नाउ देर इज समथिंग कॉल्ड एज, एक तो रेस्पिरेशन देखा, और ये रेस्पिरेशन आपको कभी होता है, एंड फोटोसिंथेसिस कभी होता है। फोटोसिंथेसिस जब भी लाइट अवेलेबल है, लाइट एनर्जी अवेलेबल है, तभी भी फोटोसिंथेसिस, तभी फोटोसिंथेसिस स्टार्ट रहेगा। रेस्पिरेशन कभी होता है, जब लाइट एनर्जी इज नॉट देयर, एंड ऑब्वियसली प्लांट्स को जिंदा रहना है तो दे स्विच टू रेस्पिरेशन मोड। तो उसमें क्या होता है, जो भी स्टोर्ड कंपाउंड है वो यूटिलाइज हो जाता है। ठीक है, तो जो जैसे फॉर एग्जांपल, अगर 100 एग्जांपल बता रहा हूँ, 100 मॉलिक्यूल ऑफ स्टोरेज कंपाउंड जनरेट किया, तो फोटो रेस्पिरेशन में 25 से लेके 40% 40 मॉलिक्यूल्स यूटिलाइज हो जाता है रेस्पिरेशन। ठीक है, सो बेसिकली अगर 100% मॉलिक्यूल जनरेट किया फोटोसिंथेसिस में डे में, तो उसमें से 25 to 40% यूटिलाइज हो जाता है, ठीक है, इन नाइट। ओके, तो बेसिकली एफिशिएंसी कितनी, 60 to 75% एफिशिएंसी है। कोई कोई प्लांट्स में 50% एफिशिएंसी रहती है, ठीक है। तो आपका क्या हो रहा है, इधर लॉस हो रहा है, ठीक है, इतना लॉस हो रहा है इतना, ठीक है। नाउ ये C3 प्लांट्स में होता है। C4 प्लांट्स में क्या होता है, वो रात को भी कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेते हैं, ठीक है, रेस्पिरेशन नहीं करते, रात को भी कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेते हैं, एंड सी ये रात को भी फोटोसिंथेसिस चालू रहता है। तो उनमें क्या रहता है, 100% एफिशिएंसी, ठीक है, ठीक है, उनमें रेस्पिरेशन नहीं होता है। अब बट किधर होता है रेस्पिरेशन, एक और रेस्पिरेशन है विच इज कॉल्ड एज फोटो रेस्पिरेशन। ये क्या होता है, फोटो रेस्पिरेशन क्या होता है, तो फोटो रेस्पिरेशन ये होता है कि आपका लाइट एनर्जी अवेलेबल है, बट फिर भी प्लांट्स एंड एल्गे रेस्पायर कर रहे, क्यों, कोई बता सकता है, कोई हाइपोथेसिस बोल सकता है कि लाइट एनर्जी इज अवेलेबल बट रेस्पायर ऑर्गेनिज्म प्लांट है रेस्पायर कर रहा है इंस्टेड ऑफ फोटोसिंथेसिस, क्यों कर सकते हैं। ऑब्वियसली देर आर टू फैक्टर्स, दो मेजर फैक्टर है, एक तो आपका अवेलेबिलिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो अगर आप प्लांट को देखोगे, ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने क्या किया, प्लांट को एक बॉटल के अंदर बंद कर दिया, ट्रांसपेरेंट बॉटल में, ठीक है, और आपने उसको ग्रो किया, इवेंचुअली क्या होगा, आपने पूरा फुल्ली पैक करके रखा, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। ओके, अभी तो कार्बन डाइऑक्साइड अवेलेबल नहीं है ना, पूरा का पूरा एयर आपका कार्बन डाइऑक्साइड, जो भी एयर में कार्बन डाइऑक्साइड हो वो ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो गया। तो अभी क्या हुआ, प्लांट के पास ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है क्या, नहीं। सो क्या होता है, ऐसे केसेस में क्या होता है, एक इन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजनेटेड ऑक्सीजन कंडीशन प्लांट क्या करता है, फोटो रेस्पिरेशन कैरी आउट करता है, ठीक है, वन फैक्टर। होपफुली समझ में आ रहा है सबको, यस, समझ में आ रहा है कि ऊपर से जा रहा है, बाउंसर जा रहा है तो पता नहीं। तो फोटो रेस्पिरेशन में क्या हो रहा है, आपका इन प्रेजेंस ऑफ लाइट आपका रेस्पिरेशन इवेंट हो रहा है, ठीक है। तो ये कब होगा, एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन कंडीशन, मतलब जैसे प्लांट है, ठीक है, तो प्लांट ने भर भर के ऑक्सीजन बनाया, ठीक है, जैसे आपका एकदम डेंस फॉरेस्ट हो गया, उसमें अच्छे से लाइट जनरेट हो रहा है, ठीक है, लाइट एनर्जी को यूटिलाइज करके एक्सेस कार्बन ऑक्सीजन बनाया, ठीक है।
तो ये क्या हो गया, आपका ऑक्सीजन सरप्लस हो गया और इसमें क्या हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड की कमी हो गई। तो इधर क्या होता है, इट टर्न्स इनटू फोटो रेस्पिरेशन से स्टार्ट हो गया। दूसरा क्या हो गया, हीट। ठीक है, हीट इन एक्सेस हीट कंडीशन, जब हीट ज़्यादा रहता तो क्या होता है, आपका ये फोटो रेस्पिरेशन चालू कर देता है। ओके, तो दो फैक्टर्स है आपके, हीट हो गया और एक लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और एन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल प्रेजेंट। ठीक है, ओके, तो ये एक हीट की वजह से होता है, एक तो एक्सेस हीट में आपका जो है फोटो रेस्पिरेशन स्टार्ट हो जाता है, और अगर नॉर्मल रूम टेम्परेचर है तो उसमें आपका फोटो सिंथेसिस होगा। ठीक है, एक्सेस हीट में आपका क्या होगा, फोटो रेस्पिरेशन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ओके, सो इधर अच्छा, मोस्ट अबंडेंट एंजाइम कौन सा है, रूबिस्को। रूबिस्को, ठीक है, मोस्ट अबंडेंट एंजाइम ऑन द अर्थ, इन द अर्थ, ठीक है, रूबिस्को। तो रूबिस्को का फुल फॉर्म क्या है, रिबुलोस बिस फॉस्फेट, मतलब क्या, रिबुलोस बिस फॉस्फेट, और रिबुलोस क्या, फाइव कार्बन कंपाउंड। ठीक है, ओके, बिस फॉस्फेट मतलब देयर आर टू फॉस्फेट, तो रिबुलोस 1,5-बिस फॉस्फेट है। ठीक है, ओके, दोनों एंड में वन कार्ब फर्स्ट कार्बन में एंड फिफ्थ कार्बन में आपका फॉस्फेट ग्रुप है। ठीक है, नाउ सी एन ओ क्या है, ये है कार्बोक्सिलेस, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने के लिए कार्बोक्सिलेस, एंड ऑक्सीजनेस। ऑक्सीजनेस क्या, ये ऑक्सीजन यूटिलाइज करेगा। ठीक है, ऑक्सीजन यूटिलाइज करेगा, मतलब ये कभी होगा, आपका फोटो रेस्पिरेशन इवेंट में होगा। ठीक है, फोटो रेस्पिरेशन इवेंट में आपका, या रात को जब रेस्पिरेशन भी करना है तो इसमें ऑक्सीजनेस यूटिलाइज होगा। ठीक है, समझा, रिब्युलोस ये 50% ऑफ एंजाइम्स अगर हम लोग निकाले अर्थ का, तो 50% आपको रिपीस को मिलेगा, क्योंकि प्लांट्स में सबसे ज़्यादा यही रहता है। ठीक है, एंड प्लांट से प्लांट सबसे ज़्यादा है एंड एल्गे उससे ज़्यादा। ओके, सो प्लांट्स में एंड एल्गे में रुबिस्को इज अ मेजर एंजाइम, 50% एंजाइम इन दी अर्थ इज रुबिस्को। ठीक है, ओके, सो हम लोग आ जाते हैं फिर, होपफुली ये समझा, रुबिस्को 5 कार्बन कंपाउंड है, कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स करता है कार्बोक्सिलेस, और ऑक्सीजनेस फिक्स रेस्पायर करता है। ठीक है, तो जब भी फोटोसिंथेसिस रहेगा तो ऑक्सीजनेस बंद रहेगा, एंड जब भी आपका ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा रहेगा तो कार्बोक्सिलेस बंद हो जाएगा, फिर ऑक्सीजनेस एक्टिवेट हो जाएगा। होपफुली यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस। यस, नाउ वी विल बी शिफ्टिंग टू दिस, एंड दिस इज फ्रॉम कॉर्न एंड स्टम। ठीक है, ये एक 3 पेज का टॉपिक है करीबन करीबन। ओके, एंड इसके लिए आप लेनिंजर भी यूटिलाइज कर सकते हैं, इसमें भी सिंपल ही है, सिंपल एज इन इसमें एक्सेस इंफॉर्मेशन ज़्यादा है, रेगुलेशन से रिलेटेड है, तो उतना भी आपको डीप में जाने का ज़रूरत नहीं रहेगा। ठीक है, तो अभी ये देख लो, तो जो कैल्विन साइकिल रहता है, या कैल्विन बेंजल साइकिल हो गया, या C3 साइकिल हो गया, उसको हम लोग 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले फर्स्ट स्टेज क्या है आपका, फिक्सेशन, तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लाना है। ठीक है, तो रूबिस्को जो है उसमें कार्बोक्सिलेज एक्ट करेगा, और कार्बन डाइऑक्साइड रिबुलोज 1,5-बिस्फॉस्फेट में, तो ये 5 कार्बन कंपाउंड है, ये 1 कार्बन कंपाउंड हो गया, तो मतलब 6 कार्बन कंपाउंड हो गया, और उसका क्लीवेज होता है, कट हो जाता है, और आपको मिलता है 3-फॉस्फोग्लिसरेट। ठीक है, आपको कुछ कुछ ग्लाइकोलिसिस का याद आएगा। ठीक है, NPPP का याद आएगा, मतलब एज एन पेंटोस फॉस्फेट पाथवे का याद आएगा। तो इधर 3-फॉस्फोग्लिसरेट जनरेट होता है, एंड विद सीरीज ऑफ रिएक्शन 3-फॉस्फोग्लिसरेट इज कन्वर्टेड इंटू G3P। ठीक है, ओके, ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट, तो ये आप अगर ग्लाइकोलाइसिस याद है तो इसमें 3-फॉस्फोग्लिसरेट से
जी थ्री पी से 3 1 3 बिस्फोसोग्लिसरेट जनरेट होता है, तो उसमें भी इसमें भी करीबन करीबन सेम रिएक्शन है, बट कहीं और डायरेक्शन में चल रहा है. ओके, थ्री ग्लिसरल ढेर 3 फॉस्फेट से विद सीरीज ऑफ रिएक्शन वापस रिबुलोज 1 5 बिस्फोस्फेट जनरेट होता है. ठीक है, तो ये क्या है, साइकिल है. ठीक है, इसलिए हम लोग बोलते हैं कैल्विन बेंसन साइकिल, क्योंकि ये साइक्लिक इन नेचर है. ठीक है, ओके. सो ये जो ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है वो आपका एनर्जी प्रोडक्शन के लिए, ग्लाइकोलाइसिस से स्टार्च प्रोडक्शन एंड शुगर सिंथेसिस के लिए काम आता है. ठीक है, सो होपफुली दिस इज क्लियर. इतना 3 स्टेजेस में डिवाइडेड है, फिक्सेशन हो गया, रिडक्शन हो गया जिसमें ये रिड्यूस होगा, 1 3 3 फॉस्फोग्लिसरेट रिड्यूस होगा G3P में, एंड फिर रीजनरेशन ऑफ एक्सेप्टर मॉलिक्यूल विच इज नथिंग बट रिबुलोज 1 5 बिस्फोस्फेट. सो होपफुली ये चीज़ें समझ गई आपको. ठीक है, ठीक है, फिक्सेशन, रिडक्शन, रीजनरेशन. तो FRR, फिक्सेशन, रिडक्शन, रीजनरेशन. ठीक है, तो ये इतना पढ़ने से अच्छा है वी डायरेक्टली मूव टू साइकिल, और साइकिल आपका इधर दिया हुआ है अच्छे से, इधर इधर दिया. ठीक है, तो ये जो साइकिल है वो इधर आपका खत्म हो जाता है. ठीक है, इधर से इधर तक है. ठीक है, तो इतना आप पढ़ सकते हो, इजी है, और ये आपको विद स्ट्रक्चर आपको रिकग्नाइज करने के आ सकता है एग्जाम में. ठीक है, स्ट्रक्चर या एंजाइम पूछने के आ सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल इधर है. तो इधर आपका पहला आ गया रिबुलोज 1 5 बिस्फॉस्फेट कार्बोक्सिलेट, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स हो रहा है. तो इसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आ रहा है, एंड इधर आपका एक इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल जनरेट हुआ, और ये आपका 3 फॉस्फोग्लिसरेट जनरेट हो रहा है. ओके, सो अगर आपको चाहिए तो आई कैन डिस्कस इन डिटेल कि कैसे जनरेट हो रहा है. ठीक है, CH2O फॉस्फेट है. ठीक है, एंड आपका इधर ओके 3 कीटोन ग्रुप है. ठीक है, सॉरी. एंड ये रिबुलोज 1 5 बिस्फोस्फेट बोला, तो ये CH2O मतलब क्या हो गया, बिस्फोस्फेट मतलब फर्स्ट कार्बन, फिफ्थ कार्बन में आपका फॉस्फेट ग्रुप है. ठीक है, होपफुली इतना आपको समझा रहेगा. ठीक है, ठीक है, रिबुलोज 1 5 बिस्फोस्फेट है. ठीक है, रिबुलोज 1 5 बिस्फोस्फेट, इसमें क्या हुआ, एडिशन ऑफ कार्बन. ठीक है, रिबुलोज ये रिबुलोज 1 5 रिबिस्को बोल सकता हूँ मैं डायरेक्टली. अभी कार्बन डाइऑक्साइड है तो मैं इसको थोड़ा थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ, इसको कार्बन डाइऑक्साइड तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ इसको. ठीक है, तो आपका ये कट हो रहा है इधर. ठीक है, और जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड है वो इधर आके बैठ रहा है इधर. ओके, ये पूरा का पूरा कट हो रहा है. अभी इसमें और भी चीज़ें क्या हो रही है, इसमें ऐड हो रहा है वाटर, क्योंकि ये 2 स्टेप्स में हो रहा है, तो वो 2 स्टेप्स में पूरा नहीं दिखा रहा, तो वाटर ऐड हो रहा है, वाटर में HOH. ठीक है, नाउ नेक्स्ट थिंग इज ये जो हाइड्रोजन है वो एक इधर जा रहा है और एक इधर जा रहा है. ओके, तो इधर आ गया CO और OH इधर का उठा के ले रहा है. ठीक है, सो इसमें ये क्या कन्वर्ट हो गया, CH2OP. ठीक है, और हम लोगों ने क्या देखा, इधर क्या देखा, CO में 2 H आ रहा है, तो इधर ये कन्वर्ट हो रहा है H OH. ठीक है, और नीचे क्या था, CO और ये OH आ गया, OH. ठीक है, वैसे ही. ठीक है, होपफुली समझा, ये 1 मॉलिक्यूल ऑफ 3 फॉस्फोग्लिसरेट कैसे जनरेट हुआ, समझा कि ऊपर से क्या डिटेल में समझाओ कि डायरेक्टली बता दो कि ये होता है करके. यस, डिटेल में बताना है कि शुड आई स्किप दैट, तो आप खुद सीख लोगे.
कोई आंसर नहीं कर रहा। ठीक है तो फिर, नहीं तो मैं शॉर्टकट में बता देता हूँ क्या होता है, कैसे रिएक्शंस होते हैं। ठीक है तो आई थिंक यू गाइज आर नाउ मैच्योर। तो ये कंप्लीट कर रहे थे तो इतना पढ़ा दिया। तो इसमें क्या होता है, अभी नेक्स्ट थिंग इज इधर का एच बचा और इधर सी ओ ओ है, तो इधर क्या हो जाएगा, सी ओ ओ एच, ठीक है, इसके ऊपर ही ऐड हो रहा है, और इधर क्या है, एच ओ एच, ठीक है, ये वाला पार्ट देख रहे हैं हम, और इसके नीचे आ गया सी एच टू ओ पी। तो क्या जनरेट हुआ आपको, टू मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लिसरेल्डिहाइड, थ्री सॉरी थ्री फॉस्फो ग्लिसरेट, ग्लिसरेट है क्योंकि ये सी ओ एच ग्रुप है, ठीक है, ओके, टू मॉलिक्यूल्स ऑफ थ्री फॉस्फो ग्लिसरेट, ठीक है, तो होपफुली इतना समझा आपको, यही रिएक्शन है, इधर देख लो, ठीक है, आपको दो मॉलिक्यूलो ग्लिसरेड, थ्री फॉस्फो ग्लिसरेड जनरेट मार के मिला। ओके नाउ नेक्स्ट थिंग है कि आपका रिडक्शन मेथड, रिडक्शन है सेकेंड स्टेप में आ जाता है। इसमें क्या होता है, विद सीरीज ऑफ रिएक्शन, इसमें पहले फॉस्फेट ऐड होता है फर्स्ट कार्बन में, तो ये बन जाता है 1,3-बिस फॉस्फो ग्लिसरेट, ठीक है, 20-फॉस्फो ग्लिसरेट, ठीक है, फर्स्ट एंड थर्ड कार्बन में दोनों में फॉस्फेट ग्रुप ऐड हो गए। अभी इसमें ये कन्वर्ट हो जाता है 1,3-बिस फॉस्फो ग्लिसरेट इनटू ग्लिसरेल्डिहाइड 3-फॉस्फेट, ये याद रखो। तो ये जैसे हम लोग ने ग्लाइकोलाइसिस में देखा था, तो ये क्या कर, G3P वॉज कन्वर्टेड इंटू इंटू 1,3-बिस फॉस्फो ग्लिसरेट, वैसे ही इधर इधर जो कन्वर्जन हो रहा है वो है 1,3-फॉस्फो ग्लिसरेट से 20-फॉस्फो ग्लिसरेट से 3 G3P जनरेट है, ग्लिसरेल्डिहाइड 3-फॉस्फेट, ठीक है। इसमें एंजाइम्स देख लेना एक बार, इसमें ATP ऐड हो रहा है तो 3-फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज हो गया, फिर ये G3P जनरेट हो रहा है तो ये डिहाइड्रोजनेस रिएक्शन हो गया, इसमें NADH अंदर जा रहा है, ओके, एंड फॉस्फेट ग्रुप निकल रहा है, ओके। नाउ नेक्स्ट थिंग इज, ये हो गया आपका कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन स्टेप, जिसमें G3P जनरेट करके मिला, ओके। नाउ जो बाकी के जो स्टेप्स है वो थोड़े से ईजी है, बोल रहा हूँ नाम के लिए। तो इसमें क्या हो गया आपका, क्या जनरेट होके मिला आपको, सेकंड स्टेप समझ में आया कि ऊपर से गया, बता दो, फर्स्ट स्टेप समझ में आया, सेकंड स्टेप समझ में आया कि नहीं आया, कि रिपीट करना, बता दो मुझे कि ऊपर से गया, ठीक है। तो एक बार वापस देख लेते हैं क्या हो रहा है, आपका कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स हो रहा है, रिबुलोज 1,5-बिस फॉस्फेट में कार्बन डाइऑक्साइड ऐड होके आपको क्या मिला, RUBP में क्या ऐड हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड ऐड हुआ, वाटर ऐड हुआ, और आपको मिला 3-फॉस्फो ग्लिसरेट, ठीक है, जो कि सेकेंड स्टेज में कन्वर्ट हो गया इनटू 1,3-PGA, और 1,3-PGA फिर कन्वर्ट हो गया इनटू G3P, ठीक है, ओके। ना आपको पता है G3P कैन बी इंटर कन्वर्टेड इनटू DHAP, ये याद रखना, ठीक है, DHAP क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आगे काम आएगा, अभी अपने इधर G3P आ गया, ठीक है, अरे काम कर भाई, ओके। अभी ये अभी इसमें क्या होता है, एक मिनट, ओके, सो इसमें ये दोनों आ जाते हैं अंदर, तो ये दोनों भी, इसमें दोनों में फॉस्फेट है, तो क्या मिलेगा आपको, फ्रक्टोस 1,6-बिस फॉस्फेट, ठीक है, ये आपको याद रहेगा, यहाँ पे ग्लाइकोलाइसिस आ गया, इसमें से एक फॉस्फेट निकल जाता, ओके, एंड इसमें ऐड हो रहा है G3P, तो ये रिएक्शन है ट्रांसकीटोलेस, ठीक है, ट्रांसकीटोलेस रिएक्शन है, ओके, G3P ऐड हो रहा है,
क्या जनरेट करके मिलेगा आपको इसमें, आपका कितना कार्बन कंपाउंड हो गया, ये 6 कार्बन हो गया प्लस 3 आ गया तो 9 कार्बन कंपाउंड हो गया। इसमें से क्या होता है आपका सेलुलोज, आई थिंक सेलुलोज, यस सेलुलोज, तो इसमें निकल जाता है ज़ाइलुलोज 5 फॉस्फेट निकल जाता है, ठीक है। ओके एंड बचता क्या है आपका इरीथ्रोज 4 फॉस्फेट, समझ रहे कि ऊपर से जरा बता दो मुझे ये रिपीट चाहिए। ठीक है तो एक बार वापस देख लेते, रिबुलोज 1,5-बिस्फॉस्फेट में आपको कार्बन डाइऑक्साइड ऐड हुआ इफ स्टेज 1 है, ठीक है, और इसमें आपको 3 PGA मिला। स्टेज 2 में जीत आपको जो 3 PGA से वो 1,3 PGA में कन्वर्ट हुआ एंड G3P मिला। अब स्टेज 3 चल रहे, इसमें G3P और DHAP मिलके फ्रक्टोज 1,6-बिस्फॉस्फेट बना रहे, ठीक है, उसमें से 1 फॉस्फेट निकल गया तो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट हो गया, उसके अंदर फिर G3P जा रहा है, ठीक है, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, इधर ट्रांसकेटोलेज रिएक्शन, ओके। एंड आपको क्या मिल रहा है, ज़ाइलुलोज 5 फॉस्फेट जनरेट करके मिल रहा है, ठीक है, तो वो निकल जा रहा है एंड इरीथ्रोज 4 फॉस्फेट बच जाता है, ठीक है। अभी अगर हम लोग आगे देखते हैं, इरीथ्रोज 4 फॉस्फेट में आपका जा रहा है DHAP, तो DHAP के कीटो कीटोन है और ये एल्डोज है, ठीक है, ये इरीथ्रोज 4 फॉस्फेट एल्डोज है एंड DHAP कीटोज है, ओके। सॉरी सॉरी सॉरी, तो ये क्या बन रहा है, या ये 4 कार्बन कंपाउंड है, ये 3 कार्बन कंपाउंड है, आपको क्या मिल रहा है, स्यूडो हेप्टुलोज 1,7-बिस्फॉस्फेट, ठीक है, ओके। और उसमें से फिर क्या हो रहा है आपका, मैं अभी शॉर्टकट में पढ़ा रहा हूँ, आपने रिस्पॉन्ड नहीं किया, इसमें से 1 फॉस्फेट निकल जा रहा है, ठीक है, तो ये बन जाएगा सूडो हेप्टुलोस 7 फॉस्फेट, ओके। तो ये जो ये रिएक्शन था ये ट्रांस एल्डोलेज रिएक्शन था, ठीक है, ट्रांस एल्डोलेज रिएक्शन, ओके। और ये इसमें ये बेसिकली ये फॉस्फेटेज है एंजाइम, इसमें एक एक फॉस्फेट निकल रहा है, फॉस्फेटेज एंजाइम, ओके। ना सूडो हेप्टुलोस 7 फॉस्फेट प्लस वापस आ जाता है G3P, ओके, इसमें आपका ये अंदर जाता है और ये रिएक्ट करते हैं और दे विल फॉर्म, ये क्योंकि 7 प्लस 3 है तो 10 कार्बन कंपाउंड है, इसमें आपको एक मिलेगा राइबोस 5 फॉस्फेट और दूसरा मिलेगा आपको ज़ाइलुलोस 5 फॉस्फेट, ठीक है। ठीक है तो होपफुली ये समझा, राइबोस 5 फॉस्फेट जनरेट हुआ एंड ज़ाइलुलोस 5 फॉस्फेट जनरेट हुआ, ठीक है। तो राइबोस को रिबुलोज में कन्वर्ट करना है, राइबोस इज एल्डोस एल्डिहाइड, उसमें एल्डिहाइड ग्रुप रहता है तो उसको रिबुलोज में कन्वर्ट करना इसी हो जाता है। ज़ाइलुलोस 5 फॉस्फेट को भी हम लोग इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब प्लांट सेल कन्वर्ट करते हैं इंटू राइबुलोस, ठीक है, रिबुलोज। तो ज़ाइलुलोज 5 फॉस्फेट को कन्वर्ट करना है रिबुलोज में, तो उधर आ जाता है आपका क्या है ये एपीमरिस, ठीक है, एंड राइबोस को अगर रिबुलोज में कन्वर्ट करना है तो आइसोमरेस एंजाइम आ जाता है, ठीक है, क्योंकि राइबोस इज एल्डिहाइड ग्रुप, उसमें एल्डिहाइड ग्रुप रहता है, रिबुलोज में कीटोन ग्रुप रहता है, ठीक है, कीटोज, ये कीटोज है, ये एल्डोस है, ठीक है, और ये दोनों ज़ाइलुलोज एंड रिबुलोज तुम्हारा दोनों भी कीटोन कीटोस है, ठीक है, तो उसको एपीमर होगा। एंड अगर राइबोस से अगर एल्डिहाइड ग्रुप को अगर मुझे कीटोन ग्रुप में कन्वर्ट करना है तो आइसोमरेज करना पड़ेगा, ठीक है। सो इधर आपका एक एपीमरेज आएगा, एक में आइसोमरेज आएगा, ठीक है, एंड राइबुलोस 5 फॉस्फेट जनरेट होगा, उसमें फिर वापस ATP ऐड करना पड़ेगा तो रिबुलोस 1,5-बिस्फॉस्फेट जनरेट होगा एंड ये वापस रीयूटिलाइज हो जाएगा इन फर्स्ट स्टेप, ठीक है। तो होपफुली साइकिल समझा रहेगा कि ऊपर से गया, काफी इजी है, एक बार पढ़ के लो, ठीक है। ओके सो मुझे इसमें एक चीज और आना, इधर
ये जो एंटायर रिएक्शन है वो हम लोग इधर ऐसे समराइज कर सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 9 ATP प्लस 6 NADH, तो आपको ग्लिसरेडिएट 3 फॉस्फेट जनरेट करके मिलता है उतना एक, और 9 NADP प्लस 8 Pi प्लस 6 NADH, तो एक ग्लिसरेडिएट 3 फॉस्फेट जनरेट करने के लिए इतना ATP इतना NADH यूटिलाइज होता है। ठीक है, ओके। नाउ अभी हम लोग देख रहे हैं, सो होपफुली सबको समझा, यस सबने आई थिंक आंसर किया हुआ है। ओके, खाली 3 लोगों को समझा गया, बाकी लोग ओके। नेक्स्ट है हम लोग का रेस्पिरेशन, फोटो रेस्पिरेशन। तो फोटो रेस्पिरेशन में क्या होता है, तो फोटो रेस्पिरेशन में जो रिबुलोज 1,5-बिसफॉस्फेट है वो दोनों भी 3-फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट नहीं होता। तो जब इसमें इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इन एंड इन एब्सेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, तो रिबुलोज जो रूबिस्को है, तो रूबिस्को में जो ऑक्सीजनेस की एक्टिविटी वो वर्क स्टार्ट करती है, और इधर होता है ऑक्सीजनेटिक ऑक्सीजनोलिटिक क्लीवेज ऑफ रिबुलोज 1,5-बिसफॉस्फेट। ठीक है, मतलब ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है तो कार्बोक्सिलेज काम नहीं करेगा, इधर ऑक्सीजनेज काम करेगा और आपको ये कट कर देगा डायरेक्टली क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है तो ये 5 कार्बन कंपाउंड ही रहेगा। तो एक तो आपका नॉर्मल 3 PG 3 PG या 3-फॉस्फोग्लिसरेट जनरेट करेगा, बट क्योंकि इधर 2 कार्बन कंपाउंड है, ठीक है, तो इधर क्या जनरेट करेगा, ये 2 कार्बन कंपाउंड है, क्या है ये है फॉस्फोग्लाइकोलेट। ठीक है, फॉस्फोग्लाइकोलेट, इधर ध्यान दो, ये है फॉस्फोग्लाइकोलेट, ये फॉस्फोग्लिसरेट है 3-फॉस्फोग्लिसरेट, बट ये है फॉस्फोग्लाइकोलेट 2-फॉस्फोग्लाइकोलेट। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल है, क्यों इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल है, क्योंकि ये जो फॉस्फोग्लाइकोलेट है इसमें से फॉस्फेट ग्रुप निकल जाता है फॉस्फेटेस के एक्शन से एंड ये ग्लाइकोलेट में कन्वर्ट हो जाता है। तुम बोलोगे ग्लाइकोलेट से क्या होगा, ओके, ग्लाइकोलेट बेसिकली कंट्रीब्यूट करता है फोटो रेस्पिरेशन। ठीक है, ओके, ग्लाइकोलेट इज द मेन फीचर जिसकी वजह से रेस्पिरेशन, फोटो रेस्पिरेशन इन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट आल्सो ये रेस्पायर करना चालू करते हैं, क्योंकि क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड की कमी है एंड ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है। ठीक है, ओके, सो इधर आ जाता हूँ मैं वापस, तो आपका जो ये ऑक्सीजनोलिटिक क्लीवेज है रूबिस्को रूबिलोस 1,5-बिसफॉस्फेट का, और क्या जनरेट हो रहा है, 3-फॉस्फोग्लिसरेट एंड 2-फॉस्फोग्लाइकोलेट जनरेट हो रहा है, एंड यही एक्टिवेट ये ऑक्सीजन मतलब फोटो रेस्पिरेशन में काम आता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त कम हो जाता है, उसकी इफिशेंसी कम हो जाती है। ठीक है, ये होता है फोटो रेस्पिरेशन, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड जो प्लांट का जो जैसे फॉर एग्जांपल अगर प्लांट 100 ग्राम्स ऑफ आलू बना रहा था, पहले एग्जांपल दे रहा हूँ, 100 ग्राम्स ऑफ जो भी प्रोडक्ट जनरेट कर रहा था, फ्रूट हो गया या वेजिटेबल्स हो गए जो भी है, वो अभी उसका जो इफिशेंसी है वो ड्रास्टिकली रिड्यूस हो जाएगा एंड प्लांट्स वुड अपियर वेरी वीक इन नेचर। ठीक है, तो फोटो रेस्पिरेशन, जब तक कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन वापस हाई नहीं हो जाता एंड ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन कम नहीं होता, तब आपको इधर सेम चीज़ दिखती ही रहेगी। ठीक है, फोटो रेस्पिरेशन दिखता रहेगा। ठीक है, सो होपफुली समझ में आया ये फोटो रेस्पिरेशन क्या होता है।